हरिओम दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी बाय लोधी सर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं कृपाल लोधी। दोस्तों आज हम आपको लेकर के आए हैं कक्षा दसवीं एमपी बोर्ड या सीबीएसई, हालांकि दोनों का सिलेबस एक ही है, केवल मीडियम का अंतर है। मैथ्स में प्रश्नावली 1.2, एक्सरसाइज 1.2 के पूरे क्वेश्चन आज हम आपको हल करवाने वाले हैं। दोस्तों इसके पहले हम प्रश्नावली 1.1 का वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों हम पूरी तैयारी यूट्यूब के माध्यम से कक्षा दसवीं की मैथ्स की करवाएंगे। कुछ वीडियो पहले भी हमने अपलोड करे हैं, आप उनको भी हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम यूट्यूब के माध्यम से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी करवाते हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जिसमें हमने मैथ्स, रीजनिंग, जीके, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से संबंधित सब्जेक्ट के वीडियो भी अपलोड किए हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक। प्रश्नावली 1.2 है स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। स्टूडेंट्स, अभाज्य गुणनखंडों का मतलब होता है कि हमें, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, हम कहें 2 होती है। ध्यान रखना, कभी ये पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, आप सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 11। अभाज्य संख्या ऋण संख्याएं, अग्र या प्राइम नंबर स्टूडेंट्स ऐसी संख्याओं को कहते हैं जिनमें एक के और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। तो हम देखते हैं कि इनको अभाज्य गुणनफल के रूप में हम कैसे व्यक्त करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे हमें 140 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है स्टूडेंट्स। तो हम इनको पहले इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं और स्टूडेंट्स ये देखा जाता है कि इनमें किस संख्या का भाग जा रहा है। तो लास्ट से ये तय होता है, कई कई बार इनके जोड़ से तय होता है। जैसे लास्ट में शून्य या सम संख्या हो 2, 4, 6, 8 स्टूडेंट्स, तो 2 का भाग लग जाता है। तो जब हम 140 में 2 से भाग कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ आएगा 2 × 7 = 14, 70, ठीक है। फिर लास्ट में 0 है तो 2 से भाग जाएगा कितने बार, 35 बार। फिर स्टूडेंट्स लास्ट में 5 है तो आप 5 से ही कर दिया करें, तो 5 × 7 = 35। और आप देख रहे हो ये 2, 5 अभाज्य संख्या है स्टूडेंट्स। कभी भी हमें भाज्य से भाग नहीं करना, मतलब 6 से 9 से 12 से 4 से ऐसी संख्याओं से भाग नहीं किया जाता। अब स्टूडेंट जैसे 7 खुद अभाज्य है तो 7 का ही भाग लगा दो, और ये भाग की प्रक्रिया हमें तब तक निकालना होती है जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। तो स्टूडेंट्स अब हम जब 140 को लिख रहे होंगे तो ये 140 बराबर हमें क्या मिल रहा होगा, 2 × 2 × 5 × 7, इनको गुणनफल के रूप में फिर लिख लिया जाता है, 2 × 2 × 5 × 7। तो ये हमें मिलेगा 2 × 2 = 4, 5 × 20 = 140। या आप आंसर के फॉर्मेट में जैसे 2 × 2 2 बार लिखे तो आप 2 का वर्ग भी आप इसको लिख सकते हो, 5 × 7, यही स्टूडेंट्स इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमें इनको गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करने के लिए ऐसे इनको हल करने होते हैं। ये 7 है यहाँ, ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा सॉल्व कर रहा है स्टूडेंट्स। दूसरा में कितना लिखा है, 156 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फिर आप देखो लास्ट में कितने हैं, लास्ट में फिर से 6 है, सम संख्या है, इसका मतलब 2 का भाग पूरा लग जाएगा। तो 2 से जब हम भाग करेंगे तो 2 × 7 = 14 + 1 = 16 स्टूडेंट्स, यहाँ पर कितना आ रहा होगा, 78 = 78। अब लास्ट में 8 है तो फिर से सम संख्या, तो फिर से 2 का भाग लग जाएगा यहाँ, 2 × 3 = 6 + 1 = 18। अब 39, अब स्टूडेंट 2 से बड़ी अगली अभाज्य संख्या कितनी होती है, 3, हम 3 से चेक करते हैं। तो 3 का डिविजिबल रूल या 3 का विभाज्यता नियम क्या है कि अंकों का योग करके हम देखते हैं, जैसे 3 × 9 = 12, यदि अंकों के योग में 3 का भाग लग जाता है पूरा तो वो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होती है। तो यहाँ 12 में 3 का पूरा भाग लग रहा है, इसलिए 3 का भी भाग इसमें लग जाएगा। तो 3 से जब हम भाग करेंगे तो 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 13 बार जाएगा। अब स्टूडेंट्स 13 खुद अभाज्य संख्या है तो इससे छोटी का भाग जाएगा नहीं, अब हम सीधा कितने का कर देंगे, 13 का। और यहाँ कितना फाइंड कर लेंगे हम, 1। जब हम स्टूडेंट्स इनको गुणन फल के रूप में लिख रहे होंगे, गुणनखंड चूंकि हम आ गए, गुणनखंड हमें 156 बराबर कितना मिला, 2 × 2, इस प्रकार से 2 × 2 × 3 × 13। स्टूडेंट जब आप ये गुणा कर रहे होगे 2 × 2 = 4, 3 = 12, 12 का जब आप 13 में गुणा कर रहे होगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 156। तो यहाँ भी यही कंडीशन मिल रही कि 2 × 2 2 बार लिखा, तो हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग × 3 × 13। तो यही स्टूडेंट इसका क्या निकल के आ रहा होगा, आंसर निकल के आ रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, ये 3rd नंबर का है, हम एक और करवा दे रहे, बाकी फिर स्टूडेंट्स आप खुद से ही करके देख सकते हैं। अगला कौन सा है, यहाँ पर है तीसरा, 3825 के
हमें अभाज्य गुणनखंड स्टूडेंट्स यहाँ पर तोड़ना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें क्या दो का पूरा पूरा भाग लगता है। तो देखो लास्ट में यदि विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 होती है स्टूडेंट तो दो का पूरा भाग नहीं लगता। तो फिर यहाँ लास्ट में 5 है, 5 का भाग तो जाएगा ही, पर हम 3 से भी चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स 3 का विभाज्यता नियम जैसा कि हमने आपको अभी बताया था कि जोड़ करके देखते हैं, यदि जोड़ में 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है। तो हम देख रहे हैं 3 और 8 11 और 2 13 और 5 18, स्टूडेंट्स 18 3 से पूर्णतः विभाजित है, अतः यह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो हम 3 अभाज्य है तो 3 से भाग करके देखते हैं। तो 3 एकम 3, जब हम 8 में दुनिया पढ़ रहे हो तो 3 दूनी 6 बचे 2 22 हो गया, 30 सत्ते 21 बचा 1 15 होगा, 3 5 15, यहाँ कितना निकल के आएगा 1275 बार भाग जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ 3 से भाग कर रहे होंगे 12 में, तो 3 चौको 12 और 3 दूनी 6 बचा 1 3 5 15, यहाँ कितना आ जाएगा 425। अब फिर देखते हैं 3 का जा रहा कि नहीं, जोड़ के 4 और 2 6 और 5 11 11 में 3 का भाग नहीं जा रहा, मतलब 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 से विभाजित नहीं है, यहाँ 3 का भाग नहीं जाएगा। लास्ट में 0 या 5 हो तो 5 का भाग लग जाता है, ये 5 का विभाज्यता नियम है। तो यहाँ लास्ट में 5 है, 5 का भाग कर सकते हैं, 5 से जब हम भाग करेंगे तो 5 8 40 बचे 2 5 25, कितना आ रहा होगा यहाँ 85। फिर स्टूडेंट जब हम यहाँ फिर 5 से भाग कर रहे होंगे तो ये 5 एकम 5 बचे कितने 3 35 5 सत्ते 35 17 बार जाएगा, और जब हम 17 ही, चूंकि 17 खुद अभाज्य है, इससे छोटी कोई अभाज्य है नहीं, चूंकि 17 अभाज्य है तो अभाज्य में अभाज्य कही जाता, 17 17 में कर दिया तो कितना आ गया 1। फिर स्टूडेंट्स हम इन्हें कैसे लिख रहे होंगे, हम इनको लिख रहे होंगे गुणनखंड के रूप में। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड हमें मिलेंगे, 3 गुणा 3 2 बार 3 है, फिर 2 टाइम ये 5 है, और गुणा 17। हम जब इनको घातांक के रूप में लिख रहे होंगे तो 3 पे 2 की घात, क्योंकि 2 बार गुणा है, 5 भी 2 बार गुणा के रूप में आया तो यहाँ 5 कवर कर देंगे और कितना कर देंगे 7। ये हमारा स्टूडेंट्स क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी प्रकार से इन प्रश्नों को हल करना है। ये हम आपको नहीं करवा रहे, ये आपको 5005 और 7429, चलो ठीक है, इनमें से 5005 के आप निकालना, हम ये 7429 वाला आपको हल करके दिखा देते हैं स्टूडेंट्स कि इसको हमें कैसे हल करना है। तो ये कौन से नंबर का होगा 7429, ये 5वें नंबर का। ठीक है स्टूडेंट, तो 5वां कितना लिखा यहाँ पर 7429, 7429 नहीं पढ़ते स्टूडेंट, ये गलत है तरीका। तो इसमें हम देखते हैं कि कितने का भाग जाएगा, आप इसमें भाग करके 7429 में, 7429 में आप भाग करके देखना स्टूडेंट्स, यहाँ ना तो 2 का जाएगा, ना 3 का, ना 5 का, ना 7 का, आप चेक करके देख लेना। 9 का विभाज्यता नियम क्या होता है, हम एक एक स्थान छोड़ के जोड़ के देखते हैं, 7 और 2 9 4 और 9 13 13 में से 9 गए 4 बचे, या तो 0 आना चाहिए या 11, तो 11 से भाग नहीं जा रहा, आप चेक करके देखना 13 से भी इसमें भाग नहीं जाएगा स्टूडेंट। सीधा भाग कितने का जाएगा इसमें 17 का जाएगा, यहाँ कितने हैं 74 है, तो हम भाग करेंगे 17 से, जब आप इसमें 7429 में भाग कर रहे होंगे स्टूडेंट तो यहाँ आ रहा होगा 437। अब 437 में आप करके देखना 17 का तो जाएगा ही नहीं, नहीं तो पहले ही चला जाता, इसमें डायरेक्ट भाग जाएगा कितने का 19 का, और ये 19 का जब हम इसमें भाग करेंगे तो यहाँ कितना आ रहा होगा 23, और यहाँ सीधे हम जब 23 से करेंगे तो यहाँ कितना आ रहा होगा 1 आ रहा होगा। तो यहाँ 7429 के जो अभाज्य गुणनखंड मिलेंगे, ये आंसर हमें मिल जाएगा 17 गुणा 19 गुणा 23, यही स्टूडेंट्स इसका क्या आ रहा होगा, आंसर आ रहा होगा। तो एक क्वेश्चन हमने आपको दिया है तीसरे नंबर का, 5005 वाला, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि इनका आंसर क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम, दूसरा प्रश्न इसमें है, और इस दूसरे प्रश्न में स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, प्रश्न में कह रहे हैं कि एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए इन पूर्णांकों के, तथा इनकी जांच करो कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है दोनों संख्याओं का, वो उनके एलसीएम और एचसीएफ मतलब लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। स्टूडेंट्स ये हमेशा एक बात सत्य होती है कि जिन दो संख्याओं का हम लघुत्तम और महत्तम निकाल रहे होते हैं तो उन संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके लघुत्तम समापवर्तीय और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हम बताएंगे आपको कि कैसे इनको हमें चेक करना है। अब हम इसका पहला क्वेश्चन करते हैं 2691 का। स्टूडेंट जैसे हम आपको बता रहे हैं, जैसे पहले यहाँ क्या लिखा एलसीएम, तो स्टूडेंट्स इनकी एलसीएम निकालने की गुणनखंड विधि ये है कि 2691 इस फॉर्मेट में हमें इनको लिख लेना है। अब हम यहाँ कोशिश ये करते हैं ऐसी संख्या से इनमें भाग करते हैं जिनमें अधिकांशतः दो संख्या दोनों में भाग चला जाए। तो देखो यहाँ 26 में
और 91 में, दोनों में कितने का भाग जा रहा है स्टूडेंट्स? हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, दो से भी कर सकते हैं सबसे छोटी, तो दो से 26 में कितने बार जाएगा? 13 में, ठीक है भाग, लेकिन 91 में नहीं जा रहा तो ये 91 ज्यों की त्यों लिखेंगे। फिर स्टूडेंट दो का नहीं जा रहा, 3, 4, 5, यहां देखो 13 अभाज्य संख्या है तो सीधा हम 13 ही से भाग कर देंगे, तो 13 से 13 में जाएगा एक बार, वो 13 6 78, 13 7 91, 7 बार जाएगा। वो फिर यहां कितने का कर देंगे? 7 का, तो 1 में तो जाएगा नहीं, तो 1 का 1, 7 का 7 भाग, तो यहां भी 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये एलसीएम हम फाइंड कर रहे हैं, एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, हम लघुत्तम समापवर्त निकालना सिखा रहे हैं, तो जब तक ये भाग की प्रक्रिया हम करते जाते हैं जब तक यहाँ एक एक ना आ जाए। फिर इनका लघुत्तम निकालने की मेथड स्टूडेंट्स क्या होती है? जो भी हमें ये फाइंड हुआ है ये इनके हम कर देते हैं गुणा, 2 × 13 और 7, 13 7 कितना आ जाएगा? 13 7 यहाँ जाएगा 91, और 91 का हम कितने में कर रहे होंगे स्टूडेंट्स? गुणा 91 का कर रहे होंगे हम कितने में? 2 में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ रहा होगा 2 × 1 = 2 और 2 × 9 = 18, कितना निकल गया? 182। तो 182 स्टूडेंट्स इसका पहले का क्या मिला हमें? एलसीएम, मतलब इसका हमें जो 182 मिला ये क्या मिल गया? लघुत्तम समापवर्त 182, इट मींस एलसीएम। अब तो एलसीएम स्टूडेंट्स आप इसी मेथड से निकालना, अब हम क्या निकाल रहे हैं इनका? एससीएफ। एससीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब अब हम इनका फाइंड कर रहे हैं महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक के लिए जब हम निकाल रहे होंगे स्टूडेंट, तो महत्तम समापवर्तक के लिए कुछ अलग मेथड है, देखते हैं वो कैसे करे जाते हैं। जैसे हमें 26 और 91 का एससीएफ निकालना है तो हम क्या करते हैं? 26 के गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो 26 को लिखेंगे हम 2 × 13, 13 × 2 = 26 हो जाते हैं स्टूडेंट्स। फिर यहां कितना लिखा है? 91 लिखा है, तो 91 को क्या लिख रहे होंगे हम? 13 7 कितना होता है स्टूडेंट्स? 13 7 कितना होता है? तो 13 7 कितना होता है स्टूडेंट्स? 91 होता है, ठीक है। अब यहां स्टूडेंट्स महत्तम समवर्तक या जब हम एससीएफ इनका निकालते हैं तो जिनके भी हमने ये गुणनखंड निकाले हैं इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड देखे जाते हैं, मतलब जो यहां भी हो और यहां भी हो। तो जैसे 13 यहां भी थे और 13 यहां भी थे, तो 2 13 के स्टूडेंट्स 1 13 लिखते हैं, मतलब जो चीजें 2 बार मिलती हैं वो यहां 1 बार लिखी जाती हैं, ठीक है। अभी हम बताएंगे, पर होना चाहिए दोनों जगह। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो एससीएफ निकला, महत्तम समवर्तक निकला, वो कितना निकला? 13। अब स्टूडेंट्स वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जांच भी कीजिए कि क्या दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो एलसीएम और एससीएफ के बराबर है। तो अब हम यहां पर क्या करते हैं? इसकी जांच करते हैं। तो जब आप इसकी जांच करके देख रहे होगे तो जांच का एक फार्मूला आप चाहो तो लिख सकते हो, वो ऐसा होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल, या फिर ऐसा लिख लिया करें आप, बराबर उनका एलसीएम गुणा एचसीएफ। ऐसा स्टूडेंट्स हमेशा होता है, और ये फार्मूला का बड़ा इंपॉर्टेंस भी है। यहां 3 चीजें अज्ञात हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, लघुत्तम और महत्तम। यहां से स्टूडेंट्स यदि आपको कोई भी 3 संख्याएं दे दी जाए तो चौथी हम एक्स मान के फाइंड यहां से कर सकते हैं। खैर यहां तो हमें जांच ही करना है। तो देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या थी 26 और दूसरी संख्या थी कितनी? 91। इनका एलसीएम मतलब लघुत्तम कितना आया? 182। और इनका एससीएफ कितना आया? तो इनका एससीएफ आया स्टूडेंट्स कितना? 13। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जब आप इनका गुणा करोगे, हमने गुणा करके लिख लिया है ताकि ज्यादा टाइम ना लगे, तो ये 2366 आता है, और इनका भी आप गुणा करके देखना तो ये भी 2366 आता है। अब आप यहां देख रहे हो स्टूडेंट्स कि ये एलएचएस कहलाता है लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, और ये आरएचएस कहलाता है राइट हैंड साइड दाएं पक्ष। ये देखो दोनों पक्ष बराबर आ गए, मतलब एलएचएस और आरएचएस जब दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो किसी भी उत्तर की जांच हो जाती है। तो हम क्या कहेंगे यदि वो कह रहे हैं कि जांच कीजिए, तो ये हमने जांच कर दी स्टूडेंट्स। यहीं तक आपको करना है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपको करना है, यहां से हम केवल एक और आपको करवा रहे हैं। हम कौन सा और करवा दें आपको, यही बता दे रहे हैं हम आपको। दूसरा आप हमें कमेंट बॉक्स में, आप हमें इसका आंसर दूसरे का लिख के बताएं, हम एक क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको, तीसरा इसका हम बता दे रहे हैं। टाइम स्टूडेंट्स ज्यादा लगता है इसलिए हम कुछ छोड़ छोड़ के हल करवा रहे हैं, कुछ आपको करने के लिए भी दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स इसमें क्या करेंगे, हम इसका 336 और 54 का क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, इसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। तो एलसीएम इनका कैसे आप निकाल पाओगे 336 और 54 का? तो ठीक है स्टूडेंट्स, अभाज्य गुणनखंड विधि वही, इस प्रकार से हमें लिख लेना 336 और यहां लिख देना हमें कितना? 54। और इस प्रकार से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, देखते हैं कैसे। सबसे पहले देखो यहां लास्ट में 6 है, यहां 4 है, 2 का भाग जा रहा, बिल्कुल जा रहा। 336 में 2 एकम 2, ये भाग ही करके देखना, अब रफ में देख लिया करें,
दो एकम दो बचा कितना, एक, 13 हो गए, 2 × 12 फिर एक बचा, ठीक है स्टूडेंट, 2 × 1 = 2, 13, 2 × 12 एक बचा, हो गए 16, 2 × 8 = 16, यहां कितना आएगा 168। फिर 2 से जब हम 54 में कर रहे होंगे स्टूडेंट, तो यहां कितना आ रहा होगा, 2 से 54 में करने पे कितना आ रहा होगा, 27 आ रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट, कितना आ रहा होगा 27। अब इसी प्रकार से और बढ़ाते जाते, अब आप देखो 2 का तो यहां तो जाएगा नहीं 7 में, तो हम 3 से भी कर सकते, क्योंकि 3 का 27 में जा रहा, 3 का यहां चेक करो, 6 × 1 = 7 और 8 = 15, 15 में 3 का जा रहा, तो बिल्कुल हम 3 से कर सकते। 3 से जब हम 16 में करेंगे तो 3 × 5 कितना रहा होगा, 3 × 5 = 15, कितना बचा यहां 1, 18 हो गए, 3 × 18 = 56 आ जाएगा, और यहां 3 नाम कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 27 आ जाएगा। फिर यहां कोई संख्या क्या ऐसी है कि दोनों में भाग जाता है, 56 में भी और 9 में भी नहीं जाता स्टूडेंट, तो आप चाहो तो फिर 56 को तोड़ना पड़ेगा, तो 2 से कर दो, 56 में जाएगा 28 बार, और जिसमें भाग जाता नहीं है उसको ज्यों की त्यों लिखते हैं, जैसे 9 में नहीं जा रहा तो 9 को हम कैसा लिखेंगे, 9 को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। फिर स्टूडेंट्स 2 से करेंगे तो 28 में 14 बार जाएगा, 9 में नहीं जा रहा, 9 ज्यों का त्यों लिखेंगे। फिर 2 से करेंगे 14 में 7 बार जा रहा, 9 में नहीं जा रहा, 9 से करेंगे, फिर यहां 7 खुद अभाज्य, 7 से करेंगे 7 भाग 1 बार जाएगा, 9 में नहीं जा रहा, 9 को ज्यों का त्यों लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर 9 में 3 से जाएगा, 1 को लिखते जाते हैं, 1 का कोई मतलब नहीं होता है, 3 से 9 में भाग कितने बार जाएगा, 3 से, अब 3 से फिर करेंगे तो 1 आ जाता है, तो 1 को तो लिखते ही जाते, वो भाग जाता नहीं है, तो 1 का ही का 1 लिखते, वो 3 से 3 में भाग कितने बार जाएगा स्टूडेंट्स, 1 बार जाएगा। अब हमें क्या करना है, जब तक 1 ना आए तब तक ये अभाज्य गुणनखंड तोड़ने की प्रक्रिया हम करते जाते हैं। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इन सब के करना होते हैं हमें क्या, इन सब के करना होते हैं हमें क्या, गुणा, ठीक है। तो अब जब हम इनका सबका गुणा करेंगे तो देखते हैं कितना मिलता है, हमें गुणा करना है कितने का, 2 × 3 × 3 × 2 × 3 × 7 × 3 × 3, ठीक है स्टूडेंट्स, 1, 2, 3, 4, 4 × 2 है, 1, 2, 3, 4, और 3 कितने बार है, 1, 2, 3, तो 1, 2, 3, 3 × 3 है, और 7 कितने बार है, 1 बार। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, सबका गुणा कर लेते हैं, जितना भी आता है वो क्या होगा इनका लघुत्तम समापवर्त, 2 × 3 = 6, 2 × 12 = 24, 2 × 48, ठीक है, 48 का कितने में करेंगे, 9 में, फिर जितना आएगा उसको कितने में करेंगे, 7 में। स्टूडेंट्स आप ये करके देखना, तो इनका जो हमें गुणनफल मिलेगा ये हमने करके रखा है पहले से, ये हमें मिल रहा होगा स्टूडेंट कितना, 3024, तो ये 3024 इनका क्या निकल के आया, एलसीएम, मतलब ये इनका लघुत्तम समापवर्ती निकल के आया। अब स्टूडेंट्स इन्हीं संख्याओं का हमें क्या निकालना है, एससीएफ, मतलब अब हमें इनका निकालना है महत्तम समापवर्तक, तो कितने का, 336 और 54 का। तो स्टूडेंट जब हम 336 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ रहे होंगे, रफ में आप कहें 336 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ के, स्टूडेंट्स देखना ये 336 के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं, चलो हम निकालना बता ही दे रहे हैं, टाइम ज्यादा लगता है पर हम आपको बता रहे हैं कि 336 के अभाज्य गुणनखंडों को हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहां हमें लिख लेना है 336, फिर हम लास्ट में 6 तो 2 से भाग करेंगे, 2 × 1 या 336 के, ठीक है स्टूडेंट, 336 के हमने यहां तो निकाले हैं, ये निकले, यही तो निकालना है, नहीं नहीं ये तो 7 × 54 के, चलो ठीक है 336 के हम आपको बताते हैं कैसे निकाले जाते हैं। 2 से भाग करेंगे 336 में, तो 2 × 1 = 2, 2 × 12 = 2 × 8 = 16, यहां पर कितना आएगा, 168 आ रहा होगा। फिर हम फिर कितने से करेंगे, फिर हम 2 से करेंगे, 2 × 8 = 16 और 2 × 8 = 2 कितना आ जाएगा, यहां पर 84 आ जाएगा। फिर 2 × 8 = 16 और 2 × 8 = 8, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो यहां 2 × 8 और 2 × 2 = 4 42 आ जाएगा। फिर यहां 2 से करेंगे तो 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। फिर 3 से करेंगे तो 3 × 7 = 21, 7 से करेंगे तो 7 × 1 = 7, तो ठीक है स्टूडेंट्स ये हमें जितना मिला 336 बराबर, इनको हम गुणन फल के रूप में लिख लेंगे, ये हमें यहां लिख लेंगे कि 336 बराबर हमें कितना मिला है, तो 336 बराबर मिला है 2 × 2 × 2 × 2, 4 × 2 है, फिर × 3 × 7, ये स्टूडेंट्स हमें मिला है, ठीक है। देखो ये अब 1, 2, 3, 4 × 2 है, फिर 3 और 7 है, ठीक है स्टूडेंट, तो यहां हमने लिख लिया 1, 2, 3, 4 × 2, फिर 3 और 7 है, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, 3 × 48 = 37, 336 हो रहे होंगे, 336 के गुणनखंड निकल गए। अब हमें कितने के निकालना स्टूडेंट्स, अब हमें निकालना 45 54 के, तो 54 तो वैसे ही कितना होता है, 27 × 54 होता है,
तो 54 को हम लिख सकते हैं 3 * 9 = 27 * 2 = 54। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इनका क्या निकाल रहे हैं, एससीएफ हाईएस्ट काउंट फैक्टर महत्तम समवर्तक। तो महत्तम समवर्तक स्टूडेंट्स इस मेथड से कैसे निकाला जाता है, हम ऐसी गुणनखंडों को लेते हैं, हवाज गुणनखंड जो यहां भी है और यहां भी, जैसे दो दोनों जगह है तो दो दो, दो के एक दो, फिर देखो दो यहां है पर यहां नहीं है तो अब नहीं आएगा, अब 3 यहां है क्या यहां है, हाँ 3 यहां भी है और 3 यहां भी है तो 2 3 के 1 3। अब स्टूडेंट्स 3 यहां है पर यहां नहीं है तो अब नहीं लेंगे, 7 यहां है यहां नहीं है तो नहीं लेंगे, जो दोनों जगह होते हैं उन्हीं के एक बार लिख के हम गुणा करते हैं, तो इनका महत्तम समवर्तक कितना आ रहा होगा, 2 3 6। ये हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स, इनका महत्तम समवर्तक आ गया कितना, 6। अब हम जब इनकी क्या करना है कह रहे हैं, एग्जामिनर ने अपन से कहा है कि भाई जांच और करो, तो जांचों में क्या होता है, प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो उनके एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक एससीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बराबर होना चाहिए। हम चेक करते हैं क्या ऐसा है, तो पहली संख्या कितनी थी स्टूडेंट्स, ये थी 336 और दूसरी संख्या कितनी थी 54, और यहां पर लघुत्तम कितना निकला है, लघुत्तम निकला है 3000, कितना 3024, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका महत्तम कितना निकला है स्टूडेंट्स, तो इनका महत्तम समवर्तक निकला है कितना, 6। आई होप आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स, तो जब आप 336 का 54 में गुणा कर रहे होंगे और 3024 का जब आप 6 में गुणा कर रहे होगे स्टूडेंट्स, तो ये आ रहा होगा 18144। गुणा में टाइम लगता है इसलिए हमने गुणनफल पहले से करके रखा है 18144। तो यहां स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि एलएचएस और आरएचएस कैसे आ गए, बराबर आ गए मतलब जांच हो गई, तो ये सूत्र जो है वो कैसा है, सत्य है, ऐसा होता है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो उनके लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक के बराबर होता है। स्टूडेंट्स ये दो क्वेश्चन हो गए, यदि यहां तक स्टूडेंट्स आपने हमारा वीडियो देखा है तो प्लीज इसे लाइक तो आप करते ही जाएं, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि से एससीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है स्टूडेंट, तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एससीएफ ये वही मेथड है जो हमने आपको अभी बताई थी। यदि लिखा नहीं होता है कि किस मेथड से आपको ये एलसीएम एससीएफ फाइंड करना, तो आप किसी भी मेथड से उसका यूज कर सकते हो, लेकिन यहां तो स्पष्ट कह रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हमें इनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, कितना कह रहे हैं, 12, 15 और 21। तो पहले हम इसका स्टूडेंट्स निकाल रहे हैं एलसीएम, तो यहां आप चाहो तो लिख दिया करें कि एलसीएम के लिए, तो एलसीएम स्टूडेंट्स अभाज्य गुणनखंड विधि से ऐसे निकाला जाता है जैसे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये 12 15 21 ऐसे लिख लिए। अब आप देखो कि 12 में जैसे 2 का भाग लगता है आप बिल्कुल कर सकते हो, 15 और 21 में नहीं जा रहा तो ये 15 और 21 ज्यों के त्यों लिखेंगे, पर स्टूडेंट्स कई बार ऐसी संख्याएं भी होती है कि तीनों में भाग जाता तो आप कर सकते हो, ये कोई शर्त नहीं होती, 3 का भाग तीनों में जा रहा तो कर दो, 3 * 4 = 12, 3 * 5 = 15, 3 * 7 = 21। लेकिन आप 4 का नहीं सकते स्टूडेंट्स, ये 2 का ही करना पड़ेगा हमें, हालांकि 2 से ही चालू करना था, ये 6 बार जाता 15 21 जाओगे तो, पर ये गलत नहीं होता, 2 से 4 में करो कितने बार जाएगा, 2 बार, 5 और 7 में नहीं जा रहा स्टूडेंट्स ये ज्यों के त्यों, फिर हम 2 से करेंगे तो 1 बार जाएगा, 5 और 7 में 2 का भाग लगता नहीं है तो ज्यों के त्यों, फिर 5 से करेंगे तो 5 में 1 बार जाएगा, 1 तो हम लिखते जाते ज्यों का त्यों, 7 में जा नहीं रहा 5 का भाग तो ज्यों का त्यों, फिर 7 ही से कर देंगे तो 7 में भी 1 बार जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम क्या निकाल रहे हैं, जब हम इनका एलसीएम निकाल रहे होंगे तो हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, जब हम इनका एलसीएम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इन सभी के लगातार में हम गुणा करके और लिखते जाते हैं। ठीक है, तो हम इन सब का क्या कर लेंगे, अब गुणा कर लेंगे, कितने का, 3 * 2 * 2 * 5 * 7। ठीक है, करें इनका गुणा, तो जब हम गुणा करेंगे 3 * 2 = 6 * 2 = 12 * 5 = 60 और 60 का 7 में जब आप करोगे तो 6 * 7 = 42, कितना आ रहा होगा स्टूडेंट, 420। तो ये इसका आंसर आ गया, क्या आ गया कि इनका जो एलसीएम इस प्रश्न का जो आ रहा होगा वो कितना रहा होगा, 420। ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा एलसीएम का। लेकिन अब वो क्या कह रहे थे कि इसी का हमें क्या फाइंड करना है, एससीएफ मतलब हमें महत्तम समवर्तक भी फाइंड करना है। तो महत्तम समवर्तक स्टूडेंट्स यहां देखें अलग कलर के पेन से, तो हम यहां लिख लेते हैं एससीएफ के लिए, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की जो मेथड है स्टूडेंट्स वो कैसी है, हमने आपको शुरू में बताई थी अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समवर्तक को कैसे फाइंड किया जाता है। देखते हैं हमें कितने का निकालना, 12, 15 और 21 का, तो हम इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 12 को क्या लिखेंगे, 2 * 2 = 4 * 3 = 12, फिर कितना है 15, 15 को क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स हम, 3 * 5,
फिर कितना है 21, तो 21 को क्या लिखेंगे हम, 3 7 21। अब हम यहाँ SCF बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते स्टूडेंट्स। SCF निकालने के लिए जैसा कि हमने आपको बताया था क्या किया जाता है कि यदि हम तीन संख्याओं को निकाले तो जो तीनों में उभयनिष्ठ है, जैसे 2 यहाँ है यहाँ नहीं है तो नहीं आएगा, 5 यहाँ है यहाँ नहीं है तो नहीं आएगा, 7 यहाँ है यहाँ 2 जगह है तो नहीं आएगा। यदि 3 संख्याओं के निकल रहे तो तीनों में जो कॉमन गुणनखंड होता है उभयनिष्ठ उसको हम लेते हैं। 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी और 3 यहाँ भी, तो 3 3 के 1 3। और कोई संख्या क्या तीनों में कॉमन है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यदि होती तो हम यहां गुणा लगा के लिखते। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या आ गया हमारा, इसका जो SCF निकल के आया ये कितना आ गया, 3 ही इसका क्या होगा आंसर होगा। तो इसका ये हमने क्या निकाल दिया स्टूडेंट्स, SCF निकाल दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी प्रकार से हम एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं, या फिर स्टूडेंट्स इसी मेथड से आप अन्य प्रश्नों को भी कर सकते हो। टाइम चूंकि ज्यादा हो रहा है इसलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी आपके यहाँ 2 प्रश्न और रह गए हैं, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि LCM और SCF किस प्रकार से इनके फाइंड किए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये दूसरा हम देख रहे हैं, तो ये 17 29 23 ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका जो महत्तम संवर्तक होगा तो वो तो होगा 1, क्योंकि ना तो 17 के अभाज्य गुणनखंड टूटेंगे ना 23 के ना 29 के। अभाज्य संख्याएं रूढ़ संख्या अग्र संख्या ये प्राइम नंबर हैं, इनमें किसी का भाग नहीं जाता। तो स्टूडेंट्स महत्तम संवर्तक तो हमें 1 इनका मिल गया, क्योंकि 1 का तो सब में भाग जाता। तो आप इसको लिखोगे 17 गुणा 1 23 गुणा 1 29 गुणा 1। और स्टूडेंट्स जब आप इनका LCM निकाल रहे होगे तो इनके LCM में भी किसी कोई अभाज्य गुणनखंड इनके नहीं टूटते हैं। 17 का कर लेना आप कितने में गुणा 23 में, और जितना आ जाए उसका कर देना आप 29 में, तो इसका क्या निकल किया जाएगा LCM। तो ये तो हमने मान के चलो आपको बता ही दिया स्टूडेंट्स, ये मान के चलो होमवर्क है, आप इसे करके देखना। आपको ये तीसरा क्वेश्चन हम एक और आपको बता दे रहे हैं, तीसरा इसका हम आपको लघुत्तम और महत्तम दोनों बता देते हैं, 8 9 और 25 का। तो पहले हम इसका स्टूडेंट्स 8 9 और 25 का LCM निकालते हैं, कितने का, 8 9 और 25 का। तो वही भाग विधि से हम इनकी गुणनखंड तोड़ेंगे, भाज 2 से करेंगे, 4 बार जाएगा, 9 में जा नहीं रहा तो 9 में नहीं जा रहा तो 9, ज्यों के त्यों 25 में नहीं जा रहा तो 25 ज्यों के त्यों। फिर कितने का करेंगे यहां पर हम, अभी 4 तो भाज्य है तो 2 से कर देंगे तो 2 बार जाएगा, 9 में जा नहीं रहा ज्यों के त्यों, 25 में जा नहीं रहा ज्यों का त्यों। फिर यहां फिर 2 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 9 और 25 ये ज्यों के त्यों, फिर 9 में कितने से जाएगा, 3 से, क्योंकि अभाज्य ही ढूंढना होती है यहां, कभी हम 9 नहीं लिख सकते उसको। 3 से 9 में कितने बार जाएगा, 3 बार, 25 में नहीं जा रहा ज्यों का त्यों। फिर 3 से करेंगे, 1 तो आ गया तो लिखते जाओ 3 का 3 भाग 1 बार, 25 में नहीं जा रहा तो 25 ज्यों के त्यों। 2 बार 1 आ गया, 25 में कितने का जाएगा भाग, 5 का, तो 1 1 तो लिखते जाओ 5 बार। फिर कितने से कर दो, 5 से, तो यहां 1 1 आ गए। ठीक है स्टूडेंट, वैसे विदाउट पेन पेपर के भी LCM हो जाता है। LCM ऐसी सबसे छोटी छोटी संख्या होती है जो 8 की दुनिया में आए, 9 के में आए और 25 में आए। खैर, जब हम स्टूडेंट्स इनका LCM फाइंड कर रहे होंगे तो यहां देखना, इसके बाद में जब स्टूडेंट्स इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन आप यहां देखना, जब हम इसका LCM फाइंड कर रहे हो तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 है 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 है 3 बार, और 3 है 2 बार गुणा 3 गुणा 3, और फिर 5 है 2 बार गुणा 5 गुणा 5। तो ये निकल के क्या आएगा स्टूडेंट्स इनका, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब लघुत्तम समापवर्ती, 2 2 4 2 8 3 24 3 72 5 72 का हम 5 में करेंगे, 5 2 10 और 5 7 35 कितना आएगा, 350, 350 का कितने में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो 72 का 5 में हम क्या करेंगे, 2 2 4 2 8 3 24 3 72, 72 का करेंगे 5 में गुणा, तो 5 2 10 का 0 यहां से ले, 5 7 35 और 1 36, यहां स्टूडेंट्स 360 आएगा, 360 का जब हम 5 में करेंगे तो 360 36 5 180, तो स्टूडेंट्स ये कितना आ जाएगा यहां पर, 1800 आ जाएगा, तो 1800 इसका क्या होगा LCM होगा। ठीक है, एक आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इसका SCF महत्तम समापवर्तक कितने का, 8 9 और 25 का, ये तीसरा क्वेश्चन। तो महत्तम समापवर्तक के लिए, महत्तम समापवर्तक के लिए हम क्या करते हैं, 8 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, तो 2 2 4 2 8, फिर हम 9 के लिखेंगे स्टूडेंट, तो 9 के कितने मिलेंगे, 3 3 9, फिर हम 25 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 25 के मिलेंगे 5 गुणा 5। स्टूडेंट्स अब महत्तम संवर्तक में हम कैसे गुणनखंडों को लेते हैं, मतलब SCF में जो तीनों में कॉमन मिल रहे हो, तो यहां स्टूडेंट्स 2 यहां है पर यहां नहीं है,
यहां भी नहीं है, तीन यहां है यहां कहीं नहीं है, पांच यहां यहां कहीं। तो ऐसी कंडीशन में जब कोई भी संख्या हमें वरिष्ठ नहीं मिल रही होती है, तो या तो आप ये ध्यान रखो कि ऐसी संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एक होता है, नहीं तो आप ऐसा लिख भी सकती है यदि नहीं मिले तो गुणा एक कर दो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, आठ ही लिखी, गुणा एक कर दो, गुणा एक। अब देखो ये एक तीनों में आ गया तो इसका महत्तम समवर्तक कितना होगा स्टूडेंट्स, इसका महत्तम समवर्तक होगा कितना, एक। ठीक है, कभी कोई संख्या यदि तीनों गुणनखंड में कॉमन नहीं हो तो उनका महत्तम समापवर्तक कितना होता है स्टूडेंट्स, एक होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये तीसरा प्रश्न हमारा हल हो गया। अब हम कुछ प्रश्न हमने और लिए हैं, इनको देखते हैं स्टूडेंट्स। ये चौथा प्रश्न है, यहां इस चौथा प्रश्न में हमसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एससीएफ हमें दिया है कितना स्टूडेंट्स, इस प्रश्न में कह रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्तक दिया है 306 और 657 दो संख्याओं का, कह रहे हैं 9, और 306 और 657 का एलसीएम हमें इनका क्या करना है स्टूडेंट्स, ज्ञात करना है। तो जो फार्मूला हमने आपको पहले बताया था, संख्याएं वही हैं, वो फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या, हम पूरा नहीं लिख रहे साइट में लिख रहे इनिशियल्स, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है उनका एलसीएम गुणा एससीएफ। ठीक है, मतलब ये फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, या फार्मूला नहीं करें तो नहीं कहें तो ऐसा होता ही है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां हमें पहली संख्या मान के चलो कितनी दी है 306, तो पहली संख्या की जगह हम 306 लिख लेते हैं, दूसरी हमें कितनी दी 657, तो यहाँ 657 लिख लेते हैं, बराबर एलसीएम। वो जा कर के एलसीएम ज्ञात करो, मतलब एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्तक, तो हमें क्या करना है ये ज्ञात ही करना है। तो एलसीएम की जगह यहां सूत्र में हम एलसीएम ही लिखा रहेंगे, लेकिन एससीएफ उनका कितना दिया है 9, तो हम यहां पर कितना लिख देते हैं 9। इसलिए स्टूडेंट्स मान के चलो ये एक्स है, जब हम यहां से एलसीएम की वैल्यू फाइंड करेंगे तो सामने की संख्या ये 306 और 657 ये गुणनफल में ज्यों के त्यों रहेंगे, और एलसीएम के साथ गुणा में कितने लिखे थे 9, तो ये जिस अज्ञात राशि के साथ जो राशि लिखी होती है वो हमेशा सामने वाली संख्या के नीचे आती है, 9 आ जाएंगे, कहां नीचे। अब हम बस इनको कैंसिल आउट करना है, मतलब इनको काटना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो 9 से विभाजित है या नहीं है इसको यदि आपको चेक करना है तो कैसे कर सकते हो, आप इन संख्याओं को जोड़ो, 3 और 6 9, क्या 9 में 9 का भाग जा रहा है, बिल्कुल, तो 9 से ये 306 भी कट जाएंगे, इनको जोड़ के देख लो, 6 और 5 11 और 7 18, क्या 18 में 9 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा। तो कहने का मतलब ये है कि 9 का भाग इन दोनों संख्याओं में पूरा पूरा चला जाएगा और वही हमें कर लेना है। तो कोई भी संख्या आप काट दो, मान के चलो ये वाली हम काट ले रहे हैं, तो 9 7 63 कितने बचे यहां 2, अब 2 बचे तो कितने हो गए 27 हो गए, तो 9 3 27, तो यहां स्टूडेंट्स कितना मिला 306 गुणा कितना मिला हमें 73। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, नीचे तो एक आ गया, एक का कोई मतलब नहीं होता बट्टी में, आपको 306 का कितने में गुणा करना है, 306 का 73 में गुणा करना है स्टूडेंट्स, जितना भी आ रहा होगा, और ये हम आंसर आपको बताते हैं क्योंकि टाइम लगता है, हम गुणा करना नहीं सका पाएंगे स्टूडेंट्स। तो 22338 ये गुणनफल कितना आ जाएगा 22338। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये काय के बराबर चल रहा था, ये चल रहा था एलसीएम के बराबर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ चुका है, इसका जो एलसीएम निकल के आ रहा होगा वो आ रहा होगा 22338। ये हमारा क्या होगा आंसर, इस प्रकार से दाएं ओर आप ब्रैकेट में लिख सकते हो तो आपको पूरे अंक मिलते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें ये कुछ इबारती है स्टूडेंट्स, लेकिन जितनी बड़ी इसकी इबारत है ये क्वेश्चन उतना बड़ा है नहीं। ठीक है, ये बाकी के हमने छोड़ दिए स्टूडेंट्स, जो एग्जाम रिलेटिव हैं, एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट वही हमने आपको करवाए हैं, फिर कभी हम जितने भी रह जाते हैं तो फिर कभी वीडियो अपलोड करेंगे तो हम उन प्रश्नों को लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमें क्या करना है, सातवां क्वेश्चन कह रहे हैं किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे जिस स्थान से उन्हें चलना प्रारंभ किया था। स्टूडेंट्स ऐसे लघुत्तम के, चूंकि यहां तो एक ही क्वेश्चन है, ऐसे कई प्रकार के प्रश्न होते हैं, कहते हैं कि जो घंटियां हैं वो 2 मिनट, मंदिर की घंटियां 2 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट के अंतराल से बजती हैं, कब एक साथ बजेंगे, तो स्टूडेंट्स ये इनका लघुत्तम समापवर्तक निकाल दिया जाता है ऐसे प्रश्नों में, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम पर ये जो क्रियाएं होती हैं वो एक साथ होती हैं, या ट्रैफिक सिग्नल की बत्तियां जल रही हैं तो वो भी लघुत्तम निकाल दिया जाता है कि एक साथ कब जलेंगे। स्टूडेंट्स आप तो सीधी सी बात, एक
कॉन्सेप्ट याद रखो, अभी हम जल्दी जल्दी में आपको इतना सब बता नहीं पा रहे हैं कि कभी भी एक साथ शब्द लिखा हो जी पुनः प्रारंभिक स्थान पर, एक साथ या प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगी, और प्रारंभिक स्थान का मतलब वही तो है कि एक साथ एक स्थान पर आ जाएंगे। तो जब भी एक साथ या पुनः प्रारंभिक स्थान इस प्रकार के शब्द लिखे आए तो आप क्या निकाल दिया करें स्टूडेंट्स, उनका एलसीएम निकाल दिया करें। एलसीएम ही उनका आंसर होता है। किसका? घंटियां बज रही हो मंदिर की, ट्रैफिक सिग्नल की बत्तियां जल रही हो, या जो धावक होते हैं दौड़ने वाले ये पैर उठा रहे हो, तो एक साथ पैर कब उठाएंगे तो एलसीएम पे, या एक साथ कब मिलेंगे तो एलसीएम पे। तो स्टूडेंट्स यहां केवल हमें दो डाटा दिख रहा है, जल्दी से हम आपको बता दे रहे हैं कि 18 और 12, केवल 18 और 12 क्या दोनों मिनट में है? बिल्कुल मिनट में है, यूनिट हमें चेंज करना नहीं है। यदि अलग अलग यूनिट होती तो हम चेंज करते। तो हमें केवल स्टूडेंट्स इसमें क्या करना है, 18 और 12 का एलसीएम ही निकालना है, ठीक है। जैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हो, समझा के भी हम आपको कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। जैसे मान के चलो जो जैसे हम हल करके भी आपको बताएं तो क्या कह रहे हैं, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मतलब जब 18 मिनट लगे होंगे तो सोनिया ने एक चक्कर लगाया होगा, जब 36 मिनट लगे होंगे तो सोनिया ने दो चक्कर लगाए होंगे, फिर 18 तरी जब 54 मिनट लगे होंगे तो सोनिया ने तीन चक्कर लगाए होंगे। तो ये सोनिया के लिए लिख लेते हैं हम मान के चलो। फिर क्या कह रहे हैं, फिर है कौन इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में, रवि। रवि ने जब चक्कर लगाए होंगे तो एक चक्कर लगाता है कितने मिनट में, 12। दूसरा चक्कर लगाया होगा उसने 24 मिनट में, तीसरा चक्कर लगाया होगा 36 मिनट में, और चौथा चक्कर इसने लगाया होगा 12 चौको 48 मिनट में, ठीक है। हालांकि यहां सोनिया ने भी चौथा चक्कर लगाया होगा, चौथा पांचवा छठवां इसने भी लगाया होगा, हमें उतने से मतलब नहीं है। हमें तो क्या देखना है, हमें ये देखना है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो चूंकि वृत्ताकार घूम रहे हैं, एक ही स्थान से उन्होंने चलना प्रारंभ किया और एक ही समय पे, तो स्टूडेंट्स वो एक ही स्थान पर कब टकरा रहे होंगे, जब आप देखो कॉमन चीज देखो जो यहां भी हो और यहां भी हो। तो आप यहां पर देख रहे हो स्टूडेंट 36 यहां पर भी है और 36 यहां पर भी है, मतलब 36 मिनट में ये भी उसी स्थान पर पहुंचेगी सोनिया, और 36 मिनट के बाद में ये रवि भी उसी स्थान पर पहुंचेगा। तो इसका सीधा सीधा आंसर हमारा कितना निकल के आता है स्टूडेंट्स, 36 इसका आंसर निकल के आता है। या देखो विदाउट पेन पेपर भी हम आपको एलसीएम निकालने की ट्रिक बता सकते हैं स्टूडेंट्स। एलसीएम निकालने की विदाउट पेन पेपर की ट्रिक क्या होती है, जैसे हमें 18 और 12 का एलसीएम निकालना है, कितने का, 18 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो स्टूडेंट्स ऐसी संख्या ही लघुत्तम समापवर्ती होती है कि इसकी दुनिया में भी आ रही हो और इसकी दुनिया में भी आ रही हो। पहले तो ये देखो कि बड़ी संख्या कौन है, 18। क्या 12 की दुनिया में 18 आता है, नहीं आता है, तो फिर 18 लघुत्तम नहीं हो सकता। बड़ी संख्या देखी जाती है, जल्दी जल्दी सुन लो, बड़ी संख्या है 18, क्या 12 की दुनिया में 18 आता है, नहीं आता। यदि 12 की दुनिया में 18 आता होता तो लघुत्तम 18 ही हो जाते। अब हम बड़ी संख्या का डबल करके देखते हैं, फिर दूने तिगने चार गुने से 18 का डबल करो 36, क्या 12 की दुनिया में 36 आता है, बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब 18 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 36 हमारा आंसर होगा। पर ठीक है, ये सब हमने आपको बताया, इतना सब आपको नहीं करना है, आपको तो केवल इतना लिखना है स्टूडेंट्स कि इस प्रश्न में 18 व कितना लिखा था, 18 व 12 का क्या निकालना होगा, एलसीएम लघुत्तम समापवर्त हमें इनका निकालना होगा। तो जब आप स्टूडेंट्स यहां पर 18 और 12 का लघुत्तम निकाल रहे होंगे तो यहां 18 लिखेंगे, यहां कितने लिखेंगे, 12 लिखेंगे, और वही अब आज गुणनखंड विधि से 2 से कर दो 9 आ जाएंगे, 2 से करो 6 आएंगे, फिर 2 से करो 9 आएंगे, 6 में 3 बार जाएगा, फिर स्टूडेंट 3 से कर दो यहां 3 आ जाएगा, यहां 1, फिर 3 से कर दो तो यहां 1 और यहां 1। अब जो हमें ये अभाज्य गुणनखंड मिले इनके गुणा करना, 2 × 2 × 3 × 3, तो 2 × 2 = 4, 3 × 12 = कितना आ गया, 36, और काय में था, मिनट में था स्टूडेंट्स। तो हमारा आंसर कितना आ रहा होगा, 36 मिनट बाद ये तीनों पुनः एक ही स्थान पर एक साथ में मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक कर दें, और यदि दोस्तों आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें। स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएं यदि कोई गलती मिस्टेक हो गया हो, हम अगली बार से सुधार करने का प्रयास करेंगे। आप हमसे किस प्रकार से पढ़ना चाहते हो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। लाइक तो कर ही दें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।